हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं? तो वापस आ गई हूँ मैं एक नई एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। तो 13-14 डेज के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करी है। बीच में एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मेरा थोड़ा बाहर जाना हो गया था, जिस वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू नहीं लेके आ पा रही थी। बट अब मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियोज लेके आती रहूँगी गाइज। तो आज का जो मेरा हॉल होने वाला है वो है ब्लू हेवन। आप लोग के साथ वन ब्रांड मेकअप लुक शेयर करना था, तो मैंने पर्पज से ब्लू हेवन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवा लिए हैं और वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोग के लिए इसका एक मेकअप हॉल वीडियो लेकर आऊंगी। तो गाइज ये वो प्रोडक्ट्स हैं, टोटली ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें अदर ब्रांड कोई भी नहीं है। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लू हेवन के हैं। मतलब मुझे वीडियो के लिए, अपने मेकअप के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत थी तो मैंने सारे ही मंगवा लिए हैं। तो आप लोग एक्साइटेड है देखने के लिए, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताइए आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैंने अपने बालों को कटवा लिया, बहुत नीचे से पतले हो गए थे, एकदम पूछ हो गए थे वो, तो मैंने जितने भी रफ हेयर थे सब कटवा लिए। तो अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो वो नीचे से एकदम पतले पतले पूछ के से बाल इतने गंदे लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कटवाऊंगी तो छोटे हो जाएंगे छोटेंगे, बट मैंने कहा कोई जितने भी रफ हैं पार्लर में, मैंने उनको बोला जितने भी रफ है सब निकाल दो। तो मुझे भी अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो बाल अच्छे लग रहे थे या ये वाले बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये लुक अच्छा लग रहा है या वो लुक अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं अपना स्टार्ट करती हूँ वीडियो। तो गाइज मैंने ना यहाँ पे ये पूरा पैक मंगवाया है, 499 का ये पैक है पूरा। वैसे इसका जो प्राइस है वो 695 का है और इसमें पैक ऑफ 6 मुझे मिले हैं, जिसमें कि फेस एसेंशियल मेकअप किट पैक ऑफ 6, फाउंडेशन स्टिक, 1 ब्लश, 1 कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, काजल, ब्यूटी ब्लेंडर, इतनी चीजें इसमें मुझे मिली हैं। तो मैंने एक ये कॉम्बो मंगवा लिया पूरा। और उसके बाद जो अभी ब्लू हेवन में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं वो मैंने मंगवाए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे ये रिसीव हुआ है, ये इतने आइटम्स मुझे इसमें रिसीव हुए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ उसमें क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें मुझे रिसीव हुआ है वो है गेट बोल्ड पेंसिल काजल, जिसके साथ मुझे एक शार्पनर भी फ्री मिला हुआ है। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है काजल, इसको मैंने ओपन नहीं किया है, तो मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ। सालों बाद मैं यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है मेरे स्कूल टाइम में मैंने ब्लू हेवन के काजल और लाइनर वगैरह यूज किए थे, और अभी तो मैंने बहुत टाइम से ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। और ब्लू हेवन ने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपने प्रोडक्ट्स में, कम बजट में अच्छे प्रोडक्ट्स। और मुझे आप लोगों के साथ एक कम बजट का अच्छा लुक शेयर करना था, तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन के न्यू लॉन्चेस भी मंगवाए हैं, जिस चीज़ की मुझे नीड थी मैंने टोटली मंगवा लिया। तो देखिए इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे काजल मिला है और साथ ही मुझे ये शार्पनर मिला है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बहुत ही स्मूथ चल रहा है और एकदम ब्लैक है। ब्लू हेवन का काजल मैं बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये वाला काजल मैं स्कूल टाइम में यूज़ करती थी, शार्पनर करती थी और हम इसको यूज़ करते थे। उसके बाद से फिर छोड़ ही दिया यूज़ करना, न्यू ब्रांड्स आते गए और मैं इसको भूल चुकी थी कहीं। लेकिन बस मेरा मन किया कि मुझे आपके साथ एक वन ब्रांड मेकअप लुक शेयर करना है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। उसके बाद जो मुझे मिला है गाइज वो है ये HD ऑल इन वन मेकअप स्टिक सिल्क मैट। तो इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वनीला वेरी फेयर, क्रीम ब्लश, हनी मीडियम, कैरेमल, टॉफी, चॉकलेट, इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरा जो शेड है वो है वनीला वेरी फेयर। पैकेजिंग का इसकी बहुत ही अच्छी है और इस तरीके से है ये। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फेयर है, बट मेरे फेस पे ये चल जाएगा, हाथ पे लग रहा है बट फेस पे ये मुझे चल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि मैं लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं स्टिक वाले मैट फाउंडेशन कम यूज़ करती हूँ। बट अभी मैं इसको ट्राई करूँगी और देखूंगी कि ये कैसा मेरे फेस पे वर्क करता है और अच्छा है या नहीं है, आप लोग भी अगर देखेंगे तो। अब मेरा मेकअप लुक मैं शेयर करूँगी तो आप लोग भी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम को जो इस बॉक्स में मिला है वो है पर्ल ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर, SPF 15 है इसमें, PA++++ विद विटामिन ई एंड पर्ल पिगमेंट। पैकेजिंग गाइस वाओ, पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है इसकी और सबसे अच्छी बात इसमें SPF 15 है। इस तरीके फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी सोप की फ्रेग्रेंस आ रही है। और इसका जो पफ है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये वाला शेड मुझे रिसीव हुआ है, साथ में इसकी छोटू सा मिरर है। तो कॉम्पैक्ट में मिरर मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा रहता है यार, मिरर कॉम्पैक्ट में होना ही चाहिए। बहुत से कॉम्पैक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें मिरर नहीं होता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिन कॉम्पैक्ट में मिरर नहीं रहते। नेक्स्ट ये, उसके बाद मुझे इसमें मिली है एक लिपस्टिक, इंटेंस मैट ब्लू हेवन लिपस्टिक,
शेड इसमें जो मुझे मिला है वो मरून है मेरे ख्याल से। वाओ शेड बहुत ही सुंदर है गाइस, आप देख सकते हैं मैट फिनिश पूरा दे रहा है ये। मैंने इतना अच्छा शेड नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा शेड मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉम्बो किया था तो ऐसा था कि देखते हैं कैसा कैसा क्या आता है मुझे। और ये भी नहीं था कि वो, मैंने बस ये कॉम्बो पूरा ऑर्डर कर दिया था, ये तक नहीं देखा था कि फाउंडेशन का शेड मेरे स्किन टोन का है कि नहीं है, बस ये ऑर्डर कर दिया था मैंने कि मंगा के देखते हैं कैसा होगा। तो लिपस्टिक का शेड बहुत ही अच्छा आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद है इधर शिमर मैट ब्लश, ये की पैकेजिंग कैसे है देखते हैं। बहुत टाइम से मेरे पास आए हुए हैं, बट मैंने आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करी थी, बट मैंने ये ना ओपन करके नहीं देखे थे, बॉक्स ओपन किया था, प्रोडक्ट ओपन नहीं किए थे। तो गाइस इस तरीके की पैकेजिंग में है ये, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए इस तरीके से है ये, शेड बहुत ही अच्छा है। इसमें ना छोटे छोटे गोल्डन चंकी पार्टिकल्स हैं, तो इससे अपना आई शेडो भी यूज कर सकते हैं, ब्लश भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से है, आपको शाइन कर रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा, हर स्किन टोन पे जाने वाला है ये शेड। और साथ में मुझे मिल जाता है ब्लेंडर, तो ब्लेंडर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब जितना सॉफ्ट ओके है, बहुत बुरा भी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जितना सॉफ्ट हमें चाहिए होता है इतना सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है। तो इस बॉक्स में मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुए थे गाइस। इसके अलावा मैंने अलग से क्या मंगवाया वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी। तो इस बॉक्स के प्रोडक्ट इतने थे, और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए बस इसका मेकअप लुक लेके आने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने मंगवाए हैं अलग से, वो ये आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मंगवाया है लिप बाम, ये देखिए, जो कि है लिप बाम बबल गम फ्लेवर लिप बाम ब्लू हेवन। इसका जो MRP है 90 है, बट मुझे ऑफर, अच्छा हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर में मुझे मिले होंगे मैं नीचे देती जाऊंगी, क्योंकि इकट्ठे इतने सारे आइटम्स मंगवाए हैं तो एक एक प्रोडक्ट का रेट मुझे पता नहीं है कि कितने में क्या क्या पड़ा। तो इस तरीके से है ये, जैसे कि पर्पल का जो मैं लिप बाम लगाती हूँ उसकी तरीके से इसकी पैकेजिंग है। ओह माय गॉड, एकदम बबल गम की फ्रेग्रेंस आ रही है, जो हम खाते थे ना स्कूल टाइम पे बबल गम, अब भी तो छोड़ दिया बबल गम खाना, पर मैं स्कूल टाइम में यार मेरे को बहुत पसंद था सेंटा फ्रेश और बबल गम, मेरे बैग में हमेशा भर भर के होती थी, मैं बहुत खाती थी, शायद इसीलिए मेरे दांतों में इतने गैप आ गए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी पैकेजिंग है, और सिर्फ 90 रुपीज का है, और लगाऊंगी तो मैं देखूंगी कि ये मतलब कितने देर तक मेरे लिप्स पे टिका रहता है। मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि पर्पल का जो मैं लगाती हूँ वो बहुत देर तक मेरे लिप्स पे स्टे करता है, तो ये मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये कितनी देर तक लिप्स पे रहता है आपके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो मैंने मंगवाया है, वो है अप टू 24 आवर्स स्टे आई लाइनर इंटेंस ब्लैक। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया ब्लू हेवन का लाइनर, तो मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरीके की पैकेजिंग में था, इस तरीके से मिला है मुझे। शुगर का जो मैं लाइनर यूज करती हूँ सेम टू सेम वैसी पैकेजिंग में है। अब इसकी देखते हैं कि इसकी निप कैसी है, अब देख सकते हैं गाइस इस तरीके का है, जेट ब्लैक एकदम, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ। इसकी जो निप है ना ये भी बहुत अच्छी है लगाने में, मतलब बहुत ही अच्छे से लगेगा। किसी किसी के बहुत मोटे रहते हैं तो वो लगाने पर फैल जाते हैं, और इसका जो कलर है ना एकदम जेट ब्लैक है। उसके बाद जो मैंने मंगवाया है ये मैं बहुत टाइम से मंगाना चाहती, बट जब भी मैं इसको सोचती थी ये आउट ऑफ स्टॉक रहता था, बट फाइनली मुझे ये मिल गया। तो ये है 2X इंटेंस ट्रू ब्लू काजल। गाइज मुझे ये चाहिए था, और ये 130 का है, बट ये मुझे ऑफर प्राइस में मिले हैं, सारे प्रोडक्ट मुझे ऑफर प्राइस में मिले होंगे, तो मैं सबके ही प्राइस आपको साथ के साथ देती जाऊंगी। सब प्रोडक्ट्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको कोई अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली मंगवा सकते हैं। इस तरीके का है ये गाइस, देखिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा चल रहा है। इससे आप लाइनर भी लगा सकते हैं, काजल भी लगा सकते हैं, दोनों ही का काम करेगा ये आपका, और बहुत ही अच्छी फिनिश दे रहा है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसको रब नहीं करना पड़ रहा है, बहुत ही इजीली लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये था। उसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है न्यू लॉन्च, ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च है गाइस ये। तो ये है स्ट्रोक एंड शेप, इसका जो प्राइस है 300 है, ऑफर प्राइस स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और ये है कॉन्टोर स्टिक, इस साइड आपको ये क्या है, हाइलाइटर है मेरे ख्याल से, हाँ तो ये इधर आपको हाइलाइटर मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कॉन्टोर मिल जाएगा।
कॉन्ट्रोल का शेड भी बहुत अच्छा आया है और इसका हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब उसमें बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है, सिर्फ क्रीम जैसा है, आप लगाओगे ना ब्लेंड होके एकदम आपकी स्किन पे एकदम से हल्का हल्का शाइन प्रोवाइड कर रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा। पैकेजिंग गाइस बहुत ही अच्छी पैकेजिंग निकालती है ब्लू हेवन, अभी दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा तरक्की पे है मतलब प्रोडक्ट्स एक से एक ला रहा है। तो नेक्स्ट ये था, उसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो भी ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च है और ये है प्रेप एंड फिक्स ब्लू हेवन प्राइमर एंड सेटिंग मिस्ट। तो मुझे आप लोग के साथ हॉल शेयर करना था तो इसलिए मुझे प्राइमर भी चाहिए था, सेटिंग स्प्रे भी चाहिए था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऐसा मंगाऊं जो दोनों का काम करे। तो ये आपके फेस को प्राइमर का भी काम करेगा और साथ ही साथ आपके मेकअप को फिक्स भी करेगा। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आया है और मैं थोड़ा सा आपको फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस और कितने इजली मतलब ना एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, इसका जो स्प्रे मैं कर रही हूँ पूरे अच्छे से मेरे फेस पे जा रहा है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ऐसा लग रहा है बॉडी मिस्ट का काम कर रहा है इस तरीके से मुझे लग रहा है। 350 इसका प्राइस है, आप इसको डेफिनेटली एक बार लेके देखिए बहुत ही अच्छा है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरा वो है अगेन न्यू लॉन्च ब्लू हेवन का सिल्क एंड सेटिन, इस तरीके की पैकेजिंग मुझे रिसीव हुआ है। तो ये आपको कई तरीके से वर्क करेगा, लिप टिंट विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई, ये आपको ब्लश का भी काम कर सकता है, आपके लिप्स पे टेंट का भी काम कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको आई शेडो की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके का काम करेगा, पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं इस तरीके से है और इस तरीके से हमारी लिक्विड लिपस्टिक की पैकेजिंग होती है उस तरीके से है ये। तो मैं आपको कहाँ बताऊँ, मेरा पूरा हाथ भर गया है, यहाँ बताती हूँ, ये देखिए इस तरीके से है एकदम नेचुरल, मतलब आपको उसको लगाते बराबर आपको उसको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखिए लगाई ना तो ये वहाँ पे उतनी जहाँ पे लगाया था वहाँ पे उतना निशान पड़ गया, मतलब आपको लगाना है और लगाते बराबर आपको उसको ब्लेंड करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लगा के आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से एकदम नेचुरल सा लुक दे रहा है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत टाइम के बाद ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना मतलब स्कूल टाइम याद आ गया मुझे। आपको हाइलाइटर अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ तो आपको उसकी शाइन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये भी, मतलब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाया मैं सबसे सबसे ही सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे मैं बोलूँगी नहीं ये मैंने गलत मंगा लिया। तो लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये ब्लिंग लिक्विड ग्लिटर आई शेडो मेटालिक ड्यूई, ऐसा स्विस ब्यूटी में भी आता है गाइस, मैंने स्विस ब्यूटी का भी लिया हुआ है आपके साथ शेयर किया हुआ था, उसी तरीके का है ये, उसी सेम उसी तरीके की पैकेजिंग में है। इसमें जो मेरा शेड है वो है 05 एमराल्ड ग्रीन इस तरीके से, ये वाला शेड है। तो लास्ट प्रोडक्ट ये था और अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे फ्री क्या मिला है, मैं फ्री के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ। तो गाइज मुझे जो फ्री मिला है वो है ये, तो फ्री आइटम अगर मिल जाए तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है गाइज। तो इसमें मुझे एक पाउच में फेस वॉश मिला है और एक पाउच में फेस मास्क मिला है इस तरीके से, और जो नेक्स्ट मुझे मिला है ये मुझे इसलिए मिला है, पता नहीं कितने अमाउंट की शॉपिंग थी उसके ऊपर अगर मैं लूंगी तो मुझे कई सारे गिफ्ट्स दिख रहे थे, उसमें से ऑप्शन थे कि आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तो मैंने ये चूज किया था क्योंकि मेरा सीरम खत्म था। तो यहाँ पे मैंने मंगाया है पिलग्रिम का हाइलुरोनिक एसिड सीरम, 2% हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन सुपर सीरम, तो मुझे ये ट्राई भी करना था कि मुझे ये सूट होता है या नहीं। तो बस गाइस ये था आज का हॉल, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ब्लू हेवन के जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं मेरे से कुछ प्रोडक्ट्स आप जरूर देखना चाह रहे होंगे कि ये कैसा है, और मैं आप लोग के लिए वन ब्रांड मेकअप लुक लेके आने वाली हूँ ब्लू हेवन का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आऊँ प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, अब नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी मैं लेके आने वाली हूँ, मगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, आप लोग के कमेंट मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ना और उसका रिप्लाई करना, और जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ, चाहे मुझे वो सामने वाला कितनी बार भी क्वेश्चन करे मैं उतनी बार आंसर देती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं वो लोग जानते होंगे कि अगर वो लोग मुझसे कितनी बार भी क्वेश्चन करते हैं मैं उसका आंसर देती ही देती हूँ। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को हॉल पसंद आया होगा, हॉल पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।